सो गाइस इस सेल में बहुत सारे लोगों ने आईफोन डेफिनेटली लिया होगा। तो क्या आपको जो एप्पल आईफोन मिला है वो एक्चुअल में एप्पल आईफोन है या नहीं है, इस चीज के बारे में आपको वीडियो के आखिर तक पता चल ही जाएगा, क्योंकि आज हम यहां पर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपको जो आईफोन डिलीवर हुआ है वो रिफर्बिश तो नहीं है, वो यूज प्रोडक्ट तो नहीं है, रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट तो नहीं है, या यहां पर वो फेक प्रोडक्ट तो नहीं है। इन सभी चीजों के बारे में आपको अपने नए आईफोन में डेफिनेटली देखना पड़ेगा, नहीं तो किडनी का जमाना गया आजकल, प्रॉपर्टी पेपर कार गिरवी रख के हमें जो है आईफोन लेना पड़ता है। So, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, सारे डाउट्स A to Z सब क्लियर हो जाएंगे। Now, first thing is always first. आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट लेते हैं आईफोन, उसको कोशिश कीजिए कि ओपन बॉक्स डिलीवरी लें ताकि वो डिलीवरी बॉय के सामने ही ओपन हो। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ इन केस ऐसा मिस हो जाता है, तो आपको पूरा जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है डब्बे को खोलने से लेके, क्योंकि अगर आप ओपन बॉक्स डिलीवरी लेंगे तो इससे कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे फोन के अगर अंदर से गलती से साबुन, ईंट, पत्थर ये सब निकल गया तो आप इस चीज से सेफ रहेंगे। एंड दूसरी चीज ये रहेगी कि अगर कोई पार्ट मिसिंग है तो आप डायरेक्टली उसी कंप्लेन कर सकते हैं कि ये पार्ट मिसिंग है, उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, आपका अमाउंट आपको एटलीस्ट मिल जाएगा। इस चीज का ध्यान डेफिनेटली रखना है। दूसरी चीज जो आपको बॉक्स के ऊपर करना है, अभी खोलने से पहले यहां पर और भी चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि साइड में यहां पर आईफोन लिखा होगा एंड इस साइड में यहां पर जो है एप्पल का लोगो बना होगा। ये दोनों चीजें दोनों साइड में आपको चारों साइड में देखने को मिल जाएंगी, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बैक साइड में यहां पर सारी डिटेल्स चेक करनी है, मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल, उसके बाद IMEI नंबर, ऊपर सारी चीजें लिखी हुई है, एंड चेक करना है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, आईफोन को आईफोन तो नहीं लिख दिया है या एप्पल की जगह मैंगो तो नहीं बना हुआ है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो आपको करनी है, आपने अब डब्बे को खोलना है, डब्बे के अंदर एक्सेसरीज आपको गिनी चुनी मिलेगी। पहली बात, आजकल के जो आईफोन है सारे यहां पर जो है एनवायरनमेंट से बचा रहे हैं, लेकिन चार्जर अलग से डेफिनेटली बेच रहे हैं, तो पतला बॉक्स हो चुका है, पतला बॉक्स ही आपको आईफोन में मिलेगा। डब्बे बड़े वाले अब आने बंद हो चुके हैं आईफोन के, तो एक्सेसरीज में एक आईफोन मिल जाएगा, उसके बाद कुछ पुस्तकें, पुस्तकों के अंदर सिम इजेक्टर टूल, एक आईफोन का स्टिकर जिसे आप अपने ऊपर भी लगा सकते हैं, आप आईफोन ह्यूमन बन चुके हैं, या तो जिस किडनी का बलिदान दिया है उसकी जगह आप एप्पल लगा के आप चला सकते हैं। वेल डन। एंड एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी इसके अंदर, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे रहे हैं तब भी यहाँ पर चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। अब बाहर की चीजें हमने सब कर ली, अब फोन के अंदर की चीजें जो आपको और ज्यादा ऑथेंटिसिटी यहाँ पर देगी। सबसे पहली चीज, आपको फोन के सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आपको अबाउट फोन में मॉडल नंबर चेक करना है। ये जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है इसका जो फर्स्ट लेटर है अगर वो M से स्टार्ट होता है तो आपको नया प्रोडक्ट मिला है, बट अगर M से स्टार्ट नहीं होता है तो दिक्कत वाली चीज हो जाती है, क्योंकि अगर F से स्टार्ट हो रहा है तो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट मिला है, मतलब यूज किया हुआ प्रोडक्ट मिला है। N से स्टार्ट हो रहा है तो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है, अगर P से स्टार्ट हो रहा है तो पर्सनलाइज्ड इंग्रेविंग वाला प्रोडक्ट है। सो मेक श्योर करना है कि अगर आप नया फोन ले रहे हैं तो फोन का मॉडल नंबर M से ही स्टार्ट होना है, कि M4 होता है मैंगो और मैंगो एप्पल भाई भाई। पहली चीज आपको एप्पल की वेबसाइट से डायरेक्टली सीरियल नंबर को चेक करना है, आपका जो भी सीरियल नंबर है इसे वेबसाइट पे डालना है, वहां पर आपका पर्टिकुलर मॉडल दिखा देगा एंड वारंटी कवरेज वगैरह दिखा देगा। सो इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी कि एप्पल के डेटाबेस में अगर आपके फोन का सीरियल नंबर है तो वो ऑथेंटिकेटेड बिल्कुल एप्पल का प्रोडक्ट है, अदरवाइज मुश्किलें इनटू 100 हो जाएंगी। उसके बाद आपको यहां पर वारंटी का कवरेज भी चेक करना है, आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा वारंटी का, इसमें जाके चेक करना है कि आपके फोन की एक साल की वारंटी वैलिड है। बहुत सारे फेक सेलर्स बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, वो ऊपर पे थीम डाल देते हैं आईफोन की, लगता ही नहीं है कि वो फेक आईफोन है। बट एक चीज जो आईफोन को सबसे अलग बनाती है वो है इसका सॉफ्टवेयर। आईफोन का सॉफ्टवेयर को किसी भी डिवाइस में हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, बस आईफोन में ही ये इंस्टॉल होता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं है। आपको एप्पल का एप स्टोर ओपन करना है, उसमें चेक करना है कि वो एक्चुअल में एप्पल का आईफोन स्टोर है, वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर एप्पल का एप स्टोर ओपन करते ही आपके सामने गूगल प्ले स्टोर खुल जाता है तो मुबारक हो, आपके जो है किडनी में और ज्यादा दर्द हो सकता है, क्योंकि वो फेक प्रोडक्ट होगा। उसके बाद एक और चीज आप कर सकते हैं, सीरी से बातचीत। आपको बोलना है, हे सीरी, विच इज बेस्ट, एंड्रॉइड और आईफोन? I'm pretty loyal to Apple. It's just how I'm made. So, अगर ये लॉयल होगी एप्पल के लिए तो एप्पल का नाम लेगी, अगर एंड्रॉइड बोल देती है तो बिल्कुल लॉयल नहीं है, फोन भी आपका लॉयल नहीं है, ये फेक आईफोन बन जाता है। अगली चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, फोन में IMEI नंबर होता है, आप इस IMEI नंबर से भी पता लगा सकते हैं कि आपका एक्चुअल मॉडल कौन सा है, क्या एक्चुअल ये ऑथेंटिकेटेड एप्पल प्रोडक्ट है या नहीं है। इसे सिंपली किसी भी IMEI इन्फो वाली वेबसाइट में डालना है, एक नहीं दो नहीं तीन चार में आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस टाइप के अगर रिजल्ट शो करते हैं आपका वैलिड होती है सारी चीजें तो वेल एंड गुड है।
उसके बाद एक और चीज होती है, सेलर जो है डब्बे को बिल्कुल चमका के नया बना देते हैं और आपके सामने ऐसा प्रतीत होता है कि वो नया फोन है। तो इस चीज से भी आप प्रिवेंट करना है। आपके फोन में आपको बैटरी हेल्थ देखना है, ये यहाँ पर 100% होना चाहिए। 100% से तनिक 0.01% भी कम है तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो सकती है। आपको मे बी यूज प्रोडक्ट किसी का पहला हुआ, यूज जो है बैटरी मिल रही है उस फोन के अंदर, तो उसको भी आपको रिजेक्ट करना है। 100 से ना एक ज्यादा होना चाहिए ना एक कम, क्योंकि हम इक्वलिटी में बिलीव करते हैं दोस्तों। इसके बाद रामबाण उपाय जो आप कर सकते हैं लास्ट में, आपको अपने पीसी में iTunes सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, देन आपको अपने आईफोन को कनेक्ट करना है अपने पीसी लैपटॉप के साथ। अगर आपका iTunes आपके इस आईफोन को डिटेक्ट कर लेगा तो आपका आईफोन बिल्कुल ही यहाँ पर ओरिजिनल आईफोन है, क्योंकि कभी भी आईफोन का सॉफ्टवेयर किसी फेक आईफोन को डिटेक्ट नहीं करता है। एक बम्पर ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आपको यूट्यूब ऐप को ओपन करना है, विजय मेहता सर्च कर लेना है, उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो आपके सामने रंगीनियां छा जाएंगी, हमारी वीडियो के अपडेट्स मिलेंगे। इससे पता चलता है कि ये आईफोन ओरिजिनल है। अपना प्रमोशन भी जरूरी है दोस्तों। सो गाइस, अगर आपका आईफोन ये सारे स्टेप्स में पास हो रहा है तो आपको मुबारक हो, आपकी किडनी का बलिदान जो है बिल्कुल फालतू नहीं गया, आपको ओरिजिनल आईफोन मिला है, अब आप इस आईफोन के मजे ले सकते हैं। गाइस आई होप सो वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अपने जितने भी आईफोन के दोस्त हैं जिन्होंने नया आईफोन लिया है, लेने वाले, उनके साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कीजिए ताकि उनके साथ भी कोई स्कैम ना हो। मिलते हैं गाइस ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग धासु फाड़ू वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। आज का विचार काफी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। बेशक थोड़ा कम जियो, लेकिन जितना जियो बहुत ही बेहतरीन जियो।